गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्लास 4, लेसन नंबर 3। आज हम लेसन नंबर 3 के अंदर हम करेंगे लेसन नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज ए, द करेक्ट आंसर आज हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू डू द डू टू सिलेक्ट अ वोट, कि ना कौन सा जो दिया ऑप्शन, जो फॉलोइंग दिया ऑप्शन जो दिया है, वैसे हम वोट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक ऑन इट या ट्रिपल क्लिक ऑन इट, तो इनमें से किस से हम वोट को सिलेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम वोट को जो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वोट को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक ऑन इट, जब हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वहां से क्या होता है, वोट सिलेक्ट हो जाता है। तो आपको इसको टिक करना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपको बताता है, विच वुड यू प्रेस टू सिलेक्ट टिल द एंड ऑफ द लाइन, वो कौन सा ऑप्शन है जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रेस टू सिलेक्ट टिल द एंड ऑफ द लाइन, लाइन की हम उसको लास्ट तक क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो किससे कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस एंड या होम, शिफ्ट प्लस होम या होम, हम किससे कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस एंड से हम क्या कर सकते हैं, उस लाइन की हम क्या कर सकते हैं, सारे ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं, वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर, ये बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सारे ऑप्शन से हम क्या कर सकते, शिफ्ट प्लस एंड से हम क्या कर सकते हैं, लाइन को हम टिल एंड तक क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन बता रहे हैं इसके अंदर, तो इस पे आपको टिक करना है इसके अंदर, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपको बताता है, विच कमांड विल डिलीट अ वोट टू राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है ना। विच कमांड, वो कौन सा कमांड है जिससे हम वोट डिलीट, वोट वोट डिलीट अ वोट टू राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर की राइट में जो होता है, ठीक है ना, कर्सर की राइट में ठीक है ना, जो वो एक वोट होता है उसको क्या कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते, वो हम किससे कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट से कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से कर सकते हैं, या शिफ्ट प्लस डिलीट से कर सकते हैं, हम किस ऑप्शन से कर सकते हैं, दैट इज द कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल और बैक स्पेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, किसको, वोट को हम डिलीट कर सकते हैं, जो राइट किस में होता है, राइट कर्सर, राइट राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर की कहां पे, तो कर्सर की राइट पे होता है, ठीक है ना। तो उस वक्त हम इसे उसको इसको डिलीट कर सकते हैं इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आपको बताता है, द अनडू बटन इज प्रेजेंट ऑन द, किस पे वो प्रेजेंट होता है, क्विक एसेस टूल बार या स्टेटस बार या रिबन, तो किस में ये किस टूल बार में ये अनडू बटन प्रेजेंट होता है, तो कौन सा बटन होता है, क्विक एसेस टूल बार में होता है या स्टेटस बार में होता है या रिबन में होता है, तो किस में होता है, क्विक एसेस टूल बार के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको बता रहे हैं इसके अंदर। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक्स आर इंडिकेटेड बाय द ग्रीन वे लाइंस, ठीक है ना, वो व्हाट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक्स आर इंडिकेटेड, जिसको वो कौन सा टाइप का मिस्टेक होता है, इंडिकेटेड बाय द ग्रीन वे लाइन, जिसको ग्रीन वे लाइन से क्या किया होगा, इंडिकेट किया होगा, वो कौन सा ऑप्शन होता है इसके अंदर, ठीक है ना, वो आपको बता रहे हैं इसके अंदर। आप यहाँ पर बता रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक्स आर इंडिकेटेड बाय ग्रीन वे लाइन्स, ग्रामेटिकल, स्पेलिंग, तो आपको यहाँ पे बता रहे हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक में होता है कि स्पेलिंग इसमें एरर में होता है, किस में होता है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इधर आपको बता रहे हैं, इस टाइप की लाइन पे इंडिकेट होता है ग्रीन वे लाइन, ग्रामेटिकल भी होता है कि स्पेलिंग भी होता है कि नॉन ऑफ दी, दोनों में से नहीं होता है, तो जो ग्रीन वे लाइन जो वहां पे इंडिकेट किया जाता है, तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक पे इंडिकेट किया जाता है, तो यहाँ पे आपको इसको आपको टिक करना है इसके अंदर, तो ये ऑप्शन आपको बता रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पार्ट नंबर बी, बी में आपको बताया हुआ है, नेम द फॉलोइंग आइकन्स, इन आइकन्स का आपको नेम आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है ना, कि इनका क्या नाम आपको है, उसका आइकन्स का नाम आपको इसमें आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर नाम को, सबसे पहले आपको नेम द फॉलोइंग आइकन्स, इन आइकन्स का नाम आपको लिखना है, जो आपको यहाँ पे एक सीजर दिखा रहा है वो क्या आपको किसका दिखा रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है इसके अंदर, दो डायग्राम्स आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आपको अलग आइकन्स दिखा रहा है, यहाँ पे आपको अलग टाइप के आइकन्स दिखा रहा है, इन आइकन्स को आपको नेम आपको लिखना है इनके अंदर। तो सबसे पहले जो आइकन्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है वो किसका आइकन दिखाता है, हमें कट का आइकन दिखाता है, तो यहाँ पे आपको कट लिखना, सी यू टी, कट लिखना है आपको यहाँ पे, हमें किसका दिखाता है, कट का आइकन हमें दिखाता है। सेकंड जो ऑप्शन हमें दिखा रहा है यहाँ पे, हमें कॉपी का दिखाता है, सी ओ पी वाई, कॉपी का आइकन हमें दिखाता है यहाँ पे, ना ये कॉपी का आइकन दिखाता है। थर्ड जो आपको दिखा रहा है वो है पेस्ट का आइकन आपको दिखाता है, पेस्ट का आइकन दिखा रहा है आपको यहाँ पे, पेस्ट का दिखा रहा है। और लास्ट में आपको जो दिखा रहा है ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे आपको स्पेल चेक दिखा रहा है, आपको स्पेल चेक करने के जो सिंबल आइकन आता है वो आपको इस टाइप का, स्पेल चेक, इसको क्या कहते हैं, स्पेल, एस पी
ई डबल एल स्पेल सी एच ई ई ई है सी के स्पेल चेक, इसको आप सकते हैं स्पेल चेक है, ठीक है। स्पेलिंग तो आपको लिखना आएगा SPELL स्पेल CHECK, ये आपका स्पेल चेक है। आपका ये जो आइकॉन आपको दिया हुआ है, तो ये जो दो एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है, सेक्शन ए और आपको सेक्शन बी दिया हुआ है, ये आपको अपने कॉपी में आपको लिखना है। लिखने के बाद सेक्शन ए वाले निसार सर को अपने निसार सर की पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उसको कॉपी आपको भेज देना है उसके अंदर, और सेक्शन बी वाले मुझे अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजेगा। सेक्शन बी वाले शब्बीर सर को भेजेगा और सेक्शन ए वाले निसार सर को भेजेगा, अपने अपने कॉपी भेजेगा। आप चेकिंग के लिए आप भेज सकते हैं, आज भी भेज सकते हैं, आज लिखने के बाद भी भेज सकते हैं, ठीक ना। कल भी आप उसको भेजना चाहते हैं तो आप कल भी आप अपने इस पे अपने दोनों के हम दोनों की क्वेश्चन नंबर पे आप अपने कॉपी को सेंड कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे इसका एक्सरसाइज नंबर सी करेंगे आपको, ठीक है ना। सी और डी करके दे देंगे आपको नेक्स्ट वीक क्लास के अंदर हम। आज का क्लास हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।